हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अतुल सलाम, सत्यकाल नमस्ते। और मैं आया हूँ एक ब्लॉग के साथ। और आज हम आए हैं घूमने के लिए लाल किले पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे लाल किला है और उसमें अब हम जा रहे हैं अंदर घूमने के लिए। देखते हैं, काफ़ी लेट हो गए थे आने में यहाँ पर, इसलिए अब चलते हैं आगे और मैं बताता हूँ आपको लाल किले के बारे में। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक पर्यटन स्थल है। यह देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक है। यह एक समय में 3,000 लोग रहा करते थे। 1648 में के बीच ये जो लाल किला जो बना है 1638 से 1648 के बीच में 10 साल में बनकर तैयार हुआ है। लाल किला 1648 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जब उन्होंने आगरा से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। लाल किला आगरा के किले से प्रेरित होकर बनवाया था, जो शाहजहां के दादा अकबर ने बनवाया था। लाल किले का असली नाम किलाए मुबारक है। लाल किले में बनी महलों की पंक्तियों के दक्षिण छोर पर मुमताज़ महल दिखता है। इसका निचला हिस्सा संगमरमर से बना है। इसके भीतर 6 कमरे हैं। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है। लाल किला भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दिल्ली में स्थित है और मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में। और मैं अपनी बात को बीच में रोकते हुए और बताता हूँ कि अब हम करते हैं अंदर एंट्री, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पर। और मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर नीचे ही साइड में जहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, इसके बराबर में ही टिकट काउंटर है। और इंडियन के लिए म्यूज़ियम सहित लेते हैं तो 80 रुपये का है, और सिंगल म्यूज़ियम नहीं देखना है तो 50 रुपये का है। अदरवाइज़ अदर के लिए महंगा है, 900, 950, 800 रुपये का है। ठीक है, और बढ़ते आगे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये नेपाल से कुछ लोग बच्चे आए हुए हैं, पूरा 20-25 बच्चे हैं और इनकी एक ही ड्रेस है वो। और ये देखिए आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, सभी धर्मों के लोग आते हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं तुम्हें थोड़ा सा किले के बारे में और बताता हूँ। यह दिल्ली में स्थित है और शाहजहां ने 17वीं सदी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय 1947 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारतीय जनता को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। यहाँ पर लाल किले पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली स्पीच दी थी, वो लाल किले के यहाँ पर खड़े होकर दी थी। और अब ये देखिए कितनी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं दिखाता हूँ यहीं पे साइड में एक, दोनों साइडों में यहाँ पर रखी हुई तोपें रखी हुई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए बाहर से कितना अच्छा लगता है देखने में। और इस किले की एक ख़ास है, इसमें बहुत सारी, अंदर बहुत सारी जगह है, ख़ास महल है, मुमताज़ महल है, दीवाने ख़ास है, हमाम है और मोती मस्जिद है, जफर महल है, सावन और भादो मंडप है और हयात वक्स है। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको अंदर देखने के लिए मिलेगी। और देखिए हम लोग, ये मैं आपको दिखा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तोफ का डिज़ाइन है यहाँ पर। इस टाइप से तोफ हुआ करती थी पहले। और हमने गेट में एंट्री कर दिया है अंदर और चलते हैं आगे। ये देखिए अब किले की आपके सामने जो अब आएगी, जो किले में जस्ट एंट्री गेट के पास में जो मार्केट बनी हुई है किले के अंदर, यहाँ काफ़ी दुकानें हैं और उसमें सामान मिलता है यहाँ पर। ये देखिए आगे चलिए, देख मैं दिखा रहा हूँ आपको चारों साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। जब एंट्री करेंगे तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा किले के अंदर। ये देखिए अब एंट्री ही कितनी शानदार है इसकी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते थे अंदर से कितना अच्छा होगा ये। अब
चलते हैं सीधा मार्केट। अब मैं थोड़ा मार्केट को भी आपको दिखाता हुआ चलता हूँ और इसके थोड़ा 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 बताऊँगा आपको इसके बारे में। हमने कुछ यहाँ से कुछ लिया नहीं था, लेकिन आप चाहो तो ख़रीद भी सकते हो, अगर आपको कुछ पसंद आ जाता है तो देख लेना। ये आते हैं, इंजॉय करते हैं, सब लोग खरीदते हैं, सामान की खरीदी करते हैं। हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी से यहाँ से आगे बढ़े हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमें अंदर घूमना था। बहुत बड़ा प्लेस है यहाँ पर, बहुत जगह है घूमने के लिए, तो इसलिए और थोड़ा हम लेट भी हो गए थे। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। आप जब कभी आएंगे तो फुल्ली इंजॉय करिएगा यहाँ पर आने के बाद। अब ये सामने जो हमें दिखा रहा है दीवाने आम, सामने ही आपको देखो, मैं कैमरे जैसे कि अभी ये वीडियो को मैंने अभी किया था, ये सामने दीवाने आम की, ये देखिए, इसके जस्ट इस रास्ते के जस्ट एकदम सामने आपको देखने के लिए मिलेगा दीवाने आम जो बना हुआ है, वो आपको देख पाएंगे आप। मैं आपको दीवाने आम के बारे में कुछ बताऊंगा और ये धीरे धीरे वीडियो भी आगे हमारी बढ़ती रहेगी। और ये मार्केट काफ़ी लंबी है, जाने में थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने में, इसलिए मैं आपको थोड़ा दीवाने आम के बारे में बता देता हूँ। दीवाने आम एक आम नागरिकों को कक्ष और जहाँ शाहजहाँ 1628 से 1658 ईस्वी में आम जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे। सामने की ओर आंगन से युक्त इस कक्ष में पूर्णतः चारों ओर सत्तादार कक्ष बने म्यूजियम आता है, जिसमें पुराने तत्व जो राजाओं के टाइम में होते थे वो सब हैं इसी के अंदर। और ये साइड में जो नहर है वहिस्ता नहर, देखो आगे चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये पार्क है। इसके बराबर में एंट्री, जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे उसके बराबर में बहुत बड़ा पार्क है ये। और आगे ये देखो दिखाता हूँ, और यहाँ के व्यूज़ में तो आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। और ये इसका साइड व्यू है, जो म्यूजियम है उसका साइड व्यू है यहाँ पर। और ये देखिए सामने से दीवाने खास दिखाई देता है यहाँ से। और ये जो नहर है वो जो उसके मिडिल ईस्ट से बहती है, आप देख रहे हैं, जैसे आप ये देखिए, और ये बीच में पुल बना हुआ है, इस पर बैठ रहे हैं, यहाँ पर लोग बैठते हैं। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ म्यूजियम की बैक साइड, थोड़ा चलने के बाद आगे देखिए, बैठने की यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है। यहाँ पर जैसे नहर होती है ना, उस साइड में पुलिया बनी होती है, तो थोड़ा करके बना दिया गया है। ये देखिए, ये दूसरी साइड नहर का है, और ये म्यूजियम का लास्ट का ये छत चौक है, इसको छत चौक बोलते हैं, इस जगह को छत चौक बोलते हैं। और ये म्यूजियम का बैक साइड है, यहाँ पर एंट्री देखना है तो यहाँ से कर सकते हैं जाके, यहीं पे टिकट काउंटर है इसका अंदर जाने का। चलते हैं अंदर की ओर, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये नौबत खाना है और हम जा रहे हैं नौबत खाने के साइड। यह प्रवेश द्वार के बिल्कुल जस्ट बराबर में होता है। और तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया है देखने, बैठने के लिए यहाँ पर बहुत जगह जगह दीवारें टाइप की, मतलब गमले टाइप का बना दिया गया है, और इस पर हम बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़ा नौबत खाने के बारे में, जो हम अब मैं आगे दिखाऊँगा आपको। नौबत खाना यह एक नाककार खाना या नौबत खाने के नाम से जाना जाता है, महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। अपने गौरव काल में यह वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट अधिकारियों के दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती थी। राजा को जब कोई आता था यहाँ पर तो इसके द्वारा अंदर जाने के बाद वाद्य यंत्र बजाकर या कोई गिटार वगैरह तबला बजाकर राजा को सूचना दी जाती थी। चुनिंदा अवसरों पर यहाँ पर संगीत बजाया जाता था। यहाँ पर जो मतलब जब कोई अवसर होता था या त्यौहार होता था, फेस्टिवल होता था, तो यहाँ पर संगीत बजाया जाता था।
भारत के अधिकांश राजमहलों में प्रवेश द्वार के समीप ही नौबतखाना होता है। जितने भी राजमहल हैं या बड़ी बड़ी वो इमारतें हैं उनमें प्रवेश द्वार के ये निकट ही ये जो है नौबतखाना होता है। यह नौबतखाना लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह आयताकार भवन है। यह तीन मंजिली भवन है। इसकी बाहरी दीवारों पर फूल पत्तियों से अलंकृत हैं। देखो ये बाहरी जो दीवारें हैं वो फूल पत्तियों से अलंकृत हैं। इसकी जो बाहरी दीवारें हैं जिनको मूल रूप से हरे एवं सुनहरे रंग से चित्रित किया गया था। ये देखो सुनहरे रंग है, इन्हें चित्रित किया गया है। भीतरी दीवारों पर अलंकार अन्य रंगों से किया गया है। ये देखो भीतरी दीवारें हैं, इन पर अलंकारित जो है अलग तरीके से किया गया है, जिसके परिणाम आज भी भीतरी कक्ष में देखा जा सकता है। इसके भीतरी कक्ष में देखो ये दीवारें दिख रही हैं, यहाँ पर देखो शीशे के अंदर भीतरी कक्ष में देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि परावर्तित मुगल शासकों जहांगीर के द्वारा 1712 से लेकर 1713 ईस्वी एवं फरूख सहार 1713 से लेकर 1719 ईस्वी की हत्या इसी नौबतखाने में कर दी गई थी। इसी नौबतखाने के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। फरूख सहार की हत्या हुई थी 1713 से लेकर 1719 के बीच में, और उनकी जो है जहांगीर शाह उनकी हत्या हुई थी 1712 से लेकर ईस्वी में कर दी गई थी। अब चलते हैं आगे। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको हयात बख्श या जीवनदायिनी बाग। यह जल प्रणाली और रास्तों सहित चार बाग पद्धति पर निर्मित है। यह संपूर्ण महल क्षेत्र में सबसे सुंदर एवं पूर्णतः योजनाबद्ध बाग है। यहाँ अभी काफ़ी मात्रा में पुनर्निर्माण किया गया है। ये देखिए अभी काफ़ी मात्रा में पुनर्निर्माण किया गया है। दक्षिण वैभव उत्तरी में निर्मित दो संगमरमर के मंडप सावन में भादो के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो म्यूज़ियम है, यहाँ पर जो ओल्ड टाइम की हिस्ट्री की बुक्स वगैरह हैं, और ये यहाँ पर जो आते हैं मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं अदर कंट्री से, वो आकर यहाँ पर इनको पढ़ते हैं। और ये देखिए ये जो बाग है, और इसके उत्तर में और दक्षिण में सावन भादो बाग है, और एक मंडप सावन का मंडप बाग है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में। पंचांग वर्षा ऋतु के दो महीनों के नाम हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दीवाने आम। यह इस किले की सबसे मेन जगह और सबसे खूबसूरत बेहतरीन जगह है। अब चलते हैं दीवाने आम के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा दीवाने आम के बारे में बताता हूँ, और उसके साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाता रहूँगा, और जो व्यूज़ हैं आप देखना ध्यान से। ये देखो जैसे आप सामने देख रहे हो, ये दीवाने आम जो है एक आम नागरिकों का कक्ष है, जहाँ पर शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658 ईस्वी में आम जनता से मुलाकात करते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। इसके आंगन से इसमें जो आंगन है, जो जैसा आप देख पा रहे हैं, देखो ये सामने कितना बड़ा आंगन है, इसमें आंगन में बैठते थे, उनकी जो जनता होती थी उनकी शिकायत सुनते थे। इस कक्ष में पूर्णतः चारों ओर छत्तेदार कक्ष बने हुए हैं। ये देखो बन रहे हैं ना छत्तेदार कक्ष, चारों ओर छत्तेदार कक्ष बने हुए हैं, मतलब गोल छत टाइप के बने हुए हैं, जिसे मुखिया द्वार, इसे इस जगह को जो है मुखिया द्वार कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर साझा बैठ के जनता की बातें सुनते थे। वर्तमान में पश्चिमी दीवारों के मध्य में संगमरमर का चबूतरा बना हुआ है। ये जब आप थोड़ा सा अंदर देखोगे, अभी तो ये रेड कलर का बलुआ पत्थर दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन जब अंदर थोड़ा चलोगे तो आपको दिखाई देगा इसका। ये देखो अभी अंदर जब जाएंगे हम लोग, मैं दिखा रहा हूँ अभी तो बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़, लेकिन जब अंदर थोड़ा सा वाइट कलर का आपको संगमरमर का सब वाइट कलर का जो पत्थर है, जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था,
बादशाह का सिंहासन था। ये देखो धूप होने के कारण ये दिख रहा है ना सामने, ये जो है बादशाह का सिंहासन है, सिंहासन था। बहुमूल्य पत्थरों से जुड़ी हुई है, ये बहुत बहुमूल्य जो महंगे महंगे पत्थर थे उनसे जुड़ी हुई है। संगमरमर की एक चौकी भी बनी हुई है इसमें, देखो संगमरमर की एक चौकी भी बनी हुई थी इसके अंदर, और ठीक नीचे रखी हुई है, जो बिल्कुल ठीक इसके नीचे रखी हुई दिख रही है ना, ये देखो जैसे ये बिल्कुल ठीक इसके नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मतलब इसमें जो पेटिका थी वो शिकायत पत्र प्राप्त करने के लिए वजीर के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता था। अभी देखी नहीं थी आपने, और अब देखो आपके देखिए छतरी देखो, अब छत्तीसगढ़ जो है अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बेहद ही सुंदर दीवारें जो हैं इनकी बेहद ही सुंदर पटल से बनी हुई हैं, जो बहुरंगी पत्थरों के देखो है ना, बहुरंगी पत्थर है, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब नज़ारा आपको मैं दिखा बना हुआ है। ये तो बक्स जो बाग है उसके बीचों बीच का है, और ये जो ये देखो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे ये सब हयात बाग जो है, हयात बक्स बाग जो है, जीवनदायिनी बाग जिसे बोलते हैं वो है। ये देखो दक्षिण उत्तर में जो निर्मित संगमरमर के मंडप सावन भादो नाम से जाने जाता है, जो ये देखो अब यहाँ पर जो तैयारी चल रही है इस पार्क में, जो रात को जो नाइट में जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए तैयारी किया जा रहा है, और लाइटें वाइटें फिट की जा रही है। ये जो है जो ये वही हयात बक्स जो बाग है वही एरिया है, अब इसमें वो इसका तैयार कर दिया गया है, और रात की तैयारी हो रही है यहाँ पर, जो अंग्रेज वगैरह जो आउट ऑफ कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए तैयारी की जा रही है नाइट के प्रोग्राम के लिए। और इससे थोड़ा सा आगे जो ये बाग है ये बहुत ही देखो जैसे कि देख रहे हो, देख जैसा कि आप देख पा रहे हो कितना है इस प्रकार, ये बेहद दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है, दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। सावन और भादों के बीच में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये लाल बलुआ पत्थर जैसा कि आपने अभी देखा था लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे चलने के बाद, ये है जफर महल। जफर महल बहादुर शाह जफर ने 1842 ईस्वी में बनवाया था इसको। इसकी जो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई दिखाओ, इसकी लंबाई जो है 466 मीटर है, और चौड़ाई जो है इसकी 482 मीटर है। ये सफ़ेद कलर के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। प्रारंभ में इस बाग के साथ एक उपमार्ग से जुड़ा था, देखो इस जो साइड में जो ये है, साइड में जो इसका उपमार्ग है इससे जुड़ा हुआ था। और ये जो सावन भादो जो मंडप है जस्ट उसके सीधा सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है सावन भादो मंडप है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये सावन भादो जो मंडप है, ये देखो सामने जो ये मंडप है, ये बहुत ही दिलकश नज़ारा है। ये जलकुंड, ये एक जलकुंड है, जब मतलब बारिश पड़ती है तो यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता था उस टाइम में, तो इसे जल बहुत ही दिलकश नज़ारा होता था। अब मॉडिफाई किया जा रहा है दोबारा से, वो साइड के जो म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम का व्यूज़ दिखा रहा हूँ, और ये मंडप के अंदर का जो ये सावन भादो मंडप है ये अंदर का दृश्य है। अंदर जाना अलाउ नहीं है, मैं अंदर से आपको इसकी वीडियो दिखा था, अब मैं साइड का व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। जो ये मंडप हयात बक्स वो जो महल है वो बिल्कुल जफर महल के जस्ट जो अभी पीछे मैंने आपको दिखा था जफर महल के नाम से ये जो जाना जाता है, इसका निर्माण जो है बहादुर शाह जफर ने करवाया था। और ये जो बाग है और ये नालियाँ हैं, देखो ये नालियाँ बनी हुई हैं, ये दिलकश नज़ारा बिल्कुल एकदम बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करती है। वो सामने जो सफ़ेद कलर का आप देख पा रहे हैं ये मुमताज़ महल है, मुमताज़ महल वो काफ़ी दूर है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं पूरा दिखा पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा जितना मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखो ये किस कदर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बनाया गया उस टाइम में भी, देख आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो उस टाइम में भी ना कोई इंजीनियर होता था ना कुछ होता था, लेकिन फिर भी इतना सूटेबल और इतने अच्छे तरीके से बनाया गया। ये जो कुआ है मतलब मोती नाम से इसका कुछ ऐसी इस टाइप से कुछ नाम है, और ये देखो इसी नालियों में इस कुएं के द्वारा पानी आया करता था, और इस कुएं में
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे के जो मोती मस्जिद है, ये सामने जो दिखा रहा हूँ ये देखो सामने मोती मस्जिद है। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रवेश पैरों में इबादत करने के लिए उसने इसको अपने उपयोग के लिए करवाया था। ये मोती मस्जिद है, ये जो आप जैसा कि देख पा रहे हैं साइड में जो व्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये सब मोती मस्जिद है। ये इसके जो इसको अपनी शयन कक्ष में केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने के लोग किया करते थे। और आगे जो है दीवाने जो खास दीवाने खास जो है वो दिखा रहा हूँ। ये देखो अभी अभी इधर से आपको जो मैंने दिखाया ये मोती मस्जिद का साइड का व्यू है। ये जो दरवाजे लगे हुए हैं ये मोती मस्जिद के शयन कक्ष हैं। और ये जो बलुआ पत्थर है और ये सामने जो है ये दीवाने खास है। दीवाने खास एक खास महल के नाम से भी जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारी एवं मेहमानों से चर्चा के लिए बनाया जाता है। इससे इसमें जो बैठ के निजी मुलाकात करा करते थे, मतलब जो बड़े अधिकारी होते थे राजाओं के उस टाइम पे उनसे मुलाकात किया करते थे। मेहराब द्वारा देखो मैं इसमें तो मेहराब बनी हुई है। देखो डिज़ाइन जो बना हुआ है वो मेहराबों द्वारा बना हुआ है। ये जो कि स्तंभ इसके जो स्तंभ है देखो स्तंभों पर आधारित श्रृंखलाबद्ध मेहराबों से बना हुआ है। इसकी जो जो स्तंभ है उसमें श्रृंखलाबद्ध मेहराबे से बना हुआ है। इन स्तंभों का इजारा पुष्प योजना से अलंकृत है। देखो पुष्प बने हुए देखो दिख रहे हैं ना, जैसे कि देखो आँख देख पा रहे हैं ये जो है पुष्प जो फूल वगैरह मतलब अब उसमें उस टाइम पर पुष्प ये जो है आपको बना हुआ है। ये जो है ये अलंकृत है। इसकी ऊपरी भाग खास महल के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो है यह बादशाह की निजी महल था। इस महल के तीन भाग हैं, तीनों और तीन कमरे हैं, कमरों का समूह है। दीवाने खास की तरह ये तरफ है, ये दीवाने जो खास है उसकी तरफ है। और इसे जो है प्रार्थना घर जैसे और उर्दू में जो बोला जाता था वो तस्वीर खाना बोला जाता था और हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना घर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। जो जब उस समय राजा होते थे मतलब राजा थे उनके निजी इबादत के लिए करते थे इसका प्रयोग वो करते थे। जो ख्वाबगाह के मतलब जो ख्वाबगाह है कि जो हर तरफ एक अलंकृत है अलंकृत आकृति बनी हुई है। देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलंकृत आकृति बनी हुई है। ये तोपखाना है, ये तोपखाना या बैठक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बैठक भी होती थी और राजा निर्णय भी लेते थे अपने राजपाट के जो राजपाट करते थे उनका निर्णय यहीं पर लेते थे। उत्तरी दीवारों में संगमरमर की वो बनी हुई है, इसमें जो पीछे अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें उत्तरी दीवारों पर संगमरमर की वो बनी है। और ये जो सामने जो आप देख पा रहे हैं जो है जो वो सावन दक्षिण दिशा का जो सावन मंडप है सावन मंडप वो आप देख पा रहे हैं सावन मंडप। और ये जो वो बाघ तो ये सारे में ही फैला हुआ है, वैक्स बाघ जो है वैक्स बाघ जो उसी के बीच में ये सारी चीज़ें ये जो सामने देख पा रहे हैं ये सावन मंडप है। इसका नाम जो है सावन मंडप है। ये देखिए जैसे इसमें पहले अब तो इसकी जो खास खासियत है वो ख़त्म हो गई है लेकिन अब इसका इतना कोई सजावट नहीं है। लेकिन इसमें पहले जब राजा के टाइम में जो हो जाया करते थे तो इसमें नालियाँ होती थी और इसमें तांबे की जो नाले वो पाइप फिट हो जाया करते थे गर्म और ठंडा पानी यूज़ करने के लिए इसमें पानी भर जाया करता था। और उसमें ये देव जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो नालियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर इसमें वो तांबे की नाली वो पाइप हो जाया करते थे और उसमें ठंडा और गर्म पानी राजा के जो बच्चे हो जाया करते थे मतलब राजा महाराजाओं के जो शाही लोग हो जाया करते थे वो इसमें यहाँ पर स्नान किया करते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखो सामने ये उनका ये देखो छोटी छोटी ये जो दिख रहे हैं ना ये अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है मतलब जितने जितना है लेकिन उस टाइम पर बहुत ही अलंकृत होया करता था ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी उच्चली दीवारों में संगमरमर की एक आकर्षक जाली निर्मित है जिसके ऊपरी भाग में न्याय के तराजू का अंकन है जो मुगल बादशाह की न्यायप्रियता का सूचक है। खास महल से सटे पूर्व की तरफ एक अष्टमहल विक्षेपित है। ये अष्टमहल है ये हमारा जो है जो मैं आपको दिखाया था अभी मैंने पीछे ये अष्टमहल है और ये अष्टमहल के आगे का रास्ता है।
जो अभी पीछे हम देख पाए थे, अभी अष्टमहल के आगे का जो रास्ता है। और अब हम चलते हैं घर और वापस, काफ़ी देख लिया है लेकिन अभी अंधेरा होने वाला। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो लोग भी अब हमें आउट करने के लिए बोल रहे हैं। और मैं आपको लास्ट में जाते जाते आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो जब निकलते हैं बाहर तो एंट्री करते टाइम पे भी वो दुकानें जो आपने देखी थी इधर वो यहाँ पर इधर वो वॉशरूम वगैरह जाना है तो इस एरिए में ही ये वाला इधर जो जा ये अब आ गए हम बाहर ये देखिए। और मैं जाते टाइम पे उस टाइम पे भी आप थोड़ा सा वीडियो बनाया था लेकिन अब जब निकल रहा हूँ तो अब थोड़ा सा आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हम लोगों को। और मेरे चैनल का नाम है मिक्स मसाला नंबर वन। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मिलूँगा मैं नई वीडियो के साथ और भी अच्छी जगह आपको घुमा के मतलब आप नहीं घूम पाओगे लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ इतना कोशिश करूँगा कि आपको बेटर से बेटर दूँ। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये आप देखते हुए चलो, अभी मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ लेकिन आप वीडियो में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दिया था लेकिन मैं आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ क्या 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 आपको जब आप कभी लाल किले में घूमने आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है अंदर। तो इसलिए और जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें सपोर्ट करना। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए जोश के साथ और नई एनर्जी के साथ। और चलते हैं अब बाहर धीरे धीरे। ये देखिए कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना जैसे एक बहुत अच्छे अच्छे आइटम यहाँ पर थे देखने के लिए। हम मिलूंगा मैं नई वीडियो के साथ नई जगह के साथ।